हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश बिपिन के चैप्टर फोर पिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के क्वेश्चन आंसर्स पहला क्वेश्चन है वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ तो जो मैन था जो भी था उसमें चैप्टर में एक पैन था उसने स्टेयर किया स्टेयर का मतलब होता है घूर करके देखना बिपिन बाबू की तरफ डिसबिलीव में कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं डिसबिलीव में बिपिन बाबू की तरफ घूर करके देखा तो मतलब ऐसा क्यों था देखिए इसका आंसर है द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकोगनाइज हिम इवन दो ही वॉज श्योर दैट ही न्यू हिम एंड हैड मेट हिम इन रांची तो मैन ने स्टेयर किया घूर करके देखा बिपिन बाबू की तरफ डिसबिलीव में मतलब कि ये क्या और डिसबिलीव का मतलब आप समझ सकते हैं कि विश्वास ना करना इस तरीके से बिपिन बाबू की तरफ देखा क्योंकि बिपिन बाबू उसे पहचान नहीं रहे थे जबकि वो मतलब रांची में मिले थे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर फिफ्टी एट तो बिपिन बाबू ने क्या कहा था कि वो अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी एट में कहाँ गए थे तो देखिए इसका आंसर है बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द पूजा हॉलीडेज इन फिफ्टी एट विद अ फ्रेंड इन कानपुर तो कानपुर में एक पूजा उन्होंने अटेंड की थी अपने एक फ्रेंड के साथ नाइनटीन फिफ्टी एट की छुट्टियों में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी थ्री और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू तो परिमल घोष क्या क्या चीज़ें जानते थे बिपिन बाबू के बारे में वो बताना है तो इसका आंसर है देखिए परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग अबाउट बिपिन बाबू ही हैड नो चिल्ड्रन कि उनके कोई भी बच्चे नहीं है ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ टेन ईयरस तक हो दस साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बिपिन बाबू की हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन विच वॉज वाई ही डिड नॉट वॉन्ट सॉरी विच नॉट वाई ही डिड नॉट वेंट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची हाँ तो देखिये इसमें यह है कि उनकी मतलब उनके कोई बच्चे नहीं थे उनकी जो वाइफ है दस साल पहले उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो भाई की डेथ हुई थी वो इंसेन था मतलब दिमाग की कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी छोटे भाई की और इसीलिए वो रांची के जो है मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए नहीं गए थे नेक्स्ट है वाई डिड बेपिन बाबू वरी अबाउट वर्ड परिमल घोष हेडसेट सेट तो बिपिन बाबू जो थे वो मतलब तो वरीड क्यों हो गए थे परेशान क्यों हो गए थे जो बिपिन बाबू से परिमल घोष ने कहा था वो सुनकर बिपिन बाबू क्यों परेशान हो गए थे ये है तो बिपिन बाबू कंटिन्यूअसली वरीड अबाउट वर्ट परिमल घोष हैड सेट बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट हिम क्योंकि मतलब विपिन बाबू को लगा कि परिमल घोष को बहुत सारी इंटीमेट फैक्ट्स बहुत ही मतलब पर्सनल uh, जानकारियां उनको थी परिमल घोष को उनके बारे में ही न्यू अबाउट द बैग ऑफ बुक्स हिज़ वाइफ्स डेथ एंड हिज ब्रदर्स इंसैनिटी तो मतलब बुक्स का जो बैग था उसके बारे में भी पता था परिमल घोष को उनकी वाइफ की डेथ के बारे में पता था और ब्रदर की इंसैनिटी इंसैनिटी मतलब कि दिमागी तौर पर पागल हैं वो उनके छोटे भाई या बड़े भाई मतलब जो भाई बताया गया चैप्टर में तो उसके बारे में पता था कंसिडरिंग दैट परिमल घोष न्यू so much about him bipin babu couldn't say with conviction that he was making a mistake about the rachi trip to ab bipin babu ko lagne laga tha yaar ise itna sab kuch mere bare mein pata hai to kya matlab main kabhi rachi sach mein gaya tha kya next question aata hai iska हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट इज मेमोरी और परिमल घोष तो किस तरीके से बिपिन बाबू ने यह सोचा कि वो अब डिसाइड करेंगे कि परिमल घोष सही है या फिर उनकी जो मेमोरी है उन्हें कुछ याद ही नहीं रांची के बारे में वो सही है तो देखिये इसका आंसर है ही ट्राई टू डिसाइड वेदर इज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष बाई लुकिंग ही ट्राई टू डिसाइड वेदर इज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष बाई लुकिंग एट हिज राइट नी वेर परिमल हैज क्लेम्ड दैट देयर वुड बी अ कट तो कैसे डिसाइड करने की सोची उन्होंने, कि उन्होंने कि उन्हों की उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष तो परिमल घोष ने बताया था कि राइट नी मतलब राइट पैर का जो घुटना है उस पर क्या है आपके एक कट लगा हुआ है तो उन्होंने मतलब उनको तो याद नहीं था बिपिन बाबू को कि ऐसा कोई कट है तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि है क्या भाई देर वॉज सर्टेनली अ मार्क ऑफ एन ओल्ड कट हाउ एवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ द कट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फॉल इन रांची और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्ड हुड तो उनको मगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रांची में वो गिरे थे इस वजह से उनके पैर में कट लगा था या फिर बचपन से ही था तो वो इस बात से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे फिर उन्होंने क्या सोचा देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी हु अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वॉज विद हिम इन रांची तो परिम घोष के अकॉर्डिंग दिनेश मुखर्जी उनके साथ थे रांची में तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए तो ही फेल्ड दैट आस्किंग आस्किंग हिम वुड पुट एन एंड टू हिज कन्फ्यूजन फिर सोचा इनसे पूछ लेते हैं दिनेश मुखर्जी से और फिर मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम तो मिस्टर मुखर्जी के घर जाने में हेजिटेट कर रहे थे हिचक कर रहे थे बिपिन बाबू फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया उन्होंने फ़ोन मतलब इनको मिस्टर मुखर्जी को फ़ाइनली फ़ोन करने का कर डिसाइड किया बिपिन बाबू ने तो ऐसा क्यों था तो इसका आंसर है बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू तो विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी बिकॉज ही वॉज एवरेट ऑफ द रथलेस सरकाजम ही वुड हैव टू फेस तो उन्हें लगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सरकाजम होता है टेढ़ी मेढ़ी बातें करके सुनाना इस तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी मिस्टर मुखर्जी से बिपिन बाबू को उनको ऐसा लगा था कि मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी सरकाज़म ही फेल दैट इफ़ द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स देन मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही हैड गॉन इन सैन तो उन्हें लगा कि अगर ये रांची वाली कहानी बिल्कुल झूठी हुई तो मुखर्जी को लगेगा कि मैं तो पागल हो गया हूँ फिर उन्होंने सोचा कि कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड बाई द इंसिडेंट एट द बुक शॉप एंड हैविंग नो मोर मीन फॉर वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ परिमल घोष बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू आस्क मिस्टर मुखर्जी तो फिर वो एकदम मतलब परेशान से हो रहे थे कि बुक शॉप पर एक्चुअल में हुआ गया उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फिर बुक शॉप पर ही मिला था ना वो इंसान जो कह रहे थे कि आप प्राची गए थे अब फिर उन्होंने सोचा कि मैं वेरीफाई कैसे करूं तो इसलिए उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को फोन करने की सोची फिर उन्होंने क्या सोचा हाउ एवर ही डिसाइडेड टू फोन हिम बिकॉज दैट वे हिज एम्बेरसमेंट वुड इंट बी विजिबल टू द लेटर तो उन्होंने सोचा फोन कर लेता हूँ मेरे चेहरे की जो एम्बेरसमेंट है मतलब अजीब सी हिचक जो है वो तो कम से कम फोन पे नहीं दिखेगी इसलिए उन्होंने सोचा फोन कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से डिड इट कन्फ्रंट बेपिन बाबू और एड टू हिज वरीज तो कंफर्ट सॉरी कंफर्ट कंफर्ट होता है मतलब शांति बचा देना तो मिस्टर मुखर्जी को जब बिपिन बाबू ने फ़ोन किया तो क्या मतलब उनको शांति मिली या फिर और ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ गई तो इसका आंसर है मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड इंडीट गॉन टू रांची इन फिफ्टी एट दिस एडिड टू बिपिन बाबूज़ वरी एज ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फो अबाउट द ट्रिप तो उनको लगा कि मतलब जब उन्होंने मुखर्जी को फ़ोन किया मिस्टर मुखर्जी को तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग तो गए थे रांची के ट्रिप पे अब बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें यह ट्रिप क्यों याद नहीं है तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई नेक्स्ट है हु वॉज चुन्नी लाल वॉट डेड यू वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू चुन्नी लाल कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था तो इसका आंसर है चुन्नी लाल वॉज एन ओल्ड क्लासमेट ऑफ बिपिन बाबू ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी बिपिन बाबू फॉर अ जॉब तो जो चुन्नी लाल था वो बिपिन बाबू के दोस्त थे वो और उनके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं थी तो बिपिन बाबू के पास आते थे ये कहते हैं मतलब कि कोई उनकी जॉब लगवा दे बिपिन बाबू किसी सोर्स से अगर लगवा सकते हैं तो नेक्स्ट है वाई वॉज डॉक्टर चंद पजल्ट वट वॉज़ अनयूजल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी तो डॉक्टर चंदा को पजल मतलब पजल होता है कन्फ्यूज़ हो जाना परेशान हो जाना किस बात से डॉक्टर चंदा पजल हो गए थे अनयूजल सी अजीब सी जो बिपिन बाबू की मेमोरी का लॉस हो गया था उससे तो देखिये डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ट बिकॉज ही हैड नेवर डेल्ट विद अ केस सच एज़ बिपिन बाबू क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी डील ही नहीं किया था जो बिपिन बाबू के साथ हो रहा था इट वॉज आउटसाइड हज़ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस उनकी जो एक्सपीरियंस है उसकी फील्ड का नहीं थी यह चीज़ जो उनकी लॉस ऑफ मेमरी होगी

उनको भी नहीं पता था डॉक्टर को कि किस तरीके से वो आपके दिमाग से वो चीज निकल गई है अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड बिपिन बाबू रियली हैज मेमोरी एंड फॉर गटे अबाउट अ ट्रिप टू रांची क्या बिपिन बाबू की सच में मेमोरी मतलब लॉस हो गई थी क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं था क्या मतलब रांची की ट्रिप उन्होंने की थी जिसके बारे में वो भूल गए थे तो नहीं आया इसका आंसर है नो बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉर गॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची इट वॉज ट्रिक प्लेड बाय चुन्नी लाल तो एक्चुअल में वो नहीं भूले थे कुछ भी अपनी ट्रिप के बारे में ये ट्रिक थी मतलब एक तरीके से उनको परेशान करने की थोड़ी सी कोशिश की गई थी चुन्नी के द्वारा ये सब कहानी मर के नेक्स्ट है वाई वुड यू थिंक चुन्नी लाल डेड वॉट ही डेड चुन्नी लाल सेज ही हैज़ नो मनी वॉज वॉट इज इट दैट ही डज हैव तो चुन्नी ने ऐसा क्यों किया परेशान करने की कोशिश चुन्नी ने कहा था उसके पास कोई भी पैसा नहीं है मगर उसके पास क्या है मतलब उसके पास एक टैलेंट है उसने कुछ ऐसा कुछ कहा था तो वो चीज़ क्या है तो इसका आंसर है चुन्नी लाल डेड वॉट ही डेड बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प हिम एट टाइम वेन ही हैड नो मनी एंड रिक्वायर्ड अ जॉब क्योंकि बिपिन बाबू ने मतलब चुन्नी की मदद नहीं की थी जब मतलब चुन्नी लाल के पास कोई जॉब नहीं थी और उन्हें पैसे की जरूरत थी हाउ एवर बिपिन बाबू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मतलब कोई मदद नहीं की थी चुन्नी लाल सेट दैट ही डिड नॉट हैव मनी हाउ एवर ही हैड इमेजिनेशन तो चुन्नील ने कहा उसके पास भले ही पैसे ना हो मगर उसके पास इमेजिनेशन थी नेक्स्ट है ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन वट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस ऑथर कहते हैं कि जो विपिन बाबू हैं वो काफी सीरियस हैं काफी मेहनती इंसान हैं कौन से एविडेंस मिलते हैं स्टोरी से इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए तो देखिए ऑथर है डिस्क्राइब विपिन बाबू है सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन ही वर्क डेली इन हिज ऑफिस इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब ही हैड बीन विद द फिल्म फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ही हैड अ रेपूटेशन फॉर बींग अ टायस कंटेंशियस वर्क तो विपिन बाबू बहुत ही मेहनती इंसान थे वो डेली ऑफिस में बहुत ही मेहनत से काम करते थे बहुत ही बड़ी फिल्म में उनकी जॉब थी और 25 साल से उनकी रेपुटेशन थी कि वो बिना थके लगातार काम करते हैं बहुत ही मेहनत से नेक्स्ट वाइड बिपिन बाबू चेंज इज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नी लाल वट फॉज द रिज़ल्ट ऑफ दिस मीटिंग बिपिन बाबू ने अपना मन कैसे बदल लिया कि चुन्नी लाल से मिलना है और इसका रिजल्ट क्या निकला तो देखिए मीटिंग का बिपिन बाबू चेंज इज़ माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नी बिकॉज ही थाट दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट द लेटर रिमेंबर समथिंग अबाउट तो चुन्नी लाली तो लाल लाल के ट्रिप में के बारे में याद हो फिर जब चुनी लाल से बात की चुन्नी लाल ने कहा कि भाई हाँ तुम गए थे और तो तभी उन्होंने सोचा कि भाई अब स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए मेरा दिमाग तो लग रहा है सही में थोड़ा सा खराब शायद हो गया है नेक्स्ट बिपिन बाबू लॉस कॉन्शियसनेस एट हुडरू फॉल्स वट डू यू थिंक वॉज द रीजन फॉर दिस बिपिन बाबू को लॉस्ट मतलब कॉन्शियसनेस वो बेहोश हो गए थे हुंडरू फॉल के पास और क्या रीज़न था इस चीज़ का fall, तो यह इसका आंसर है बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुंडरू फॉल्स बिकॉज ही हैड अ फॉल ही हैड ब्रोकन एजेड तो कॉन्शियसनेस मतलब वो गिर पड़े थे तो उनकी चोट लग गई थी पे, के पैरविक वाले ऊपर वाले एरिया में और मतलब एक तरह से वो परेशान थे कि उन्हें लगा था कि अब उनका क्या, क्या होगा वो पागल हो रहे हैं इस सब से सोच के वो परेशान होकर के गिर गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनी लाल है ट्रैक डैम तो चुनीलाल ने उनको मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बनाया है ट्रिक किया है तो ये जान कर के कैसा मतलब क्या लगा बिपिन बाबू को तो इसका आंसर है आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट चुनी लाल है ट्रैकडेम बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन फिल्ड विद रिमोर्स फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर टू वर्ड्स एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन इज लक ही वुड एव रियलाइज दैट ही हैड इंडीड बीन अ विक्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस एज ही हैड फॉरगेट इन द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप इन द टाइम ऑफ एफ्लुएंस तो मतलब उन्हें बुरा लगा होगा जब मतलब पूरा बात चुनी लाल ने बताई तो उन्हें समझ में आया होगा कि रिमोट्स मतलब दुख कि जब इफ़्लुएंस था मतलब जब उनके पास पैसा है तब वो पुरानी जो दोस्ती थी अपनी जो नीलाल के साथ उसको वो भूल गए हैं तो ये बात मतलब उनको जान के काफ़ी बुरा लगा होगा तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं थैंक यू